एग्जम्प्ट करते हुए सीधे उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर हो, इसका डिमांड करूंगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करना है। विधानसभा का सत्र 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहुत ही छोटा सत्र सरकार ने आहूत की है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जिस तरह इतनी समस्या होने के बावजूद सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च का आयोजन करेंगे और हमारा जो मुद्दा होगा 10 लाख सरकारी नौकरी का जवाब दो। सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी कब तक देगी इसका जवाब चाहिए। और जो सीटीईटी एसटीईटी और जो नियोजित शिक्षक है उनको बीपीएससी के परीक्षा का एग्जम्प्ट करते हुए सीधे उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर हो, इसका डिमांड करूंगा। और जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, इसका भी हम लोग डिमांड उस आंदोलन के माध्यम से करेंगे। इसके साथ साथ जो वित्त रहित महाविद्यालय हैं उनके शिक्षकों का भुगतान हो, पिछले 4 वर्षों से बिहार सरकार ने भुगतान नहीं किया है और 2 महत्वपूर्ण और विषय हैं जिससे पूरी तरह बिहार में लोग त्रस्त हैं। एक कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो गया, अपराधीकरण हो गए सरकार के राज्य में कोई कानून नाम का चीज ही नहीं रह गया, कोई सुरक्षित नहीं है। और दूसरा भ्रष्टाचार, आपने देखा कि सुल्तानगंज में किस तरह ब्रिज गिरे और आज तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं। 1410 करोड़ रुपया का पेमेंट हो चुका जबकि 38% बिलों पर वो काम था, 1700 करोड़ में से 38% बिलों का काम था, तब भी 1400 करोड़ से अधिक का पेमेंट हो चुका। यह स्पष्ट झलकता है कि सरकार की संलिप्तता के आधार पर ही भ्रष्टाचार हो गया और यह पूरी तरह जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, महागठबंधन के लोग जिम्मेदार हैं। आज शिक्षकों का अपमान हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार है। इसलिए 13 जुलाई को हम लोग पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटकर विधानसभा मार्च का कार्यक्रम आयोजन करेंगे। हमारे साथ यहाँ विजय सिन्हा जी हैं, वो भी अपनी बात।